अदनान जो बिग बॉस हाउस के अंदर गया था, मेरे को लग रहा है वो सिर्फ बिग बॉस छूने गया था, बिग बॉस में रहने नहीं गया था। ये आप लोग को भी पता है ब्रो, ये सब टीआरपी की वजह से हो रहा है, ठीक है। और टीआरपी चाहिए थी बिग बॉस वालों को, तो उन्होंने अदनान को अंदर भेज दिया। ये नहीं बोलना चाह रहा कि अदनान की वजह से टीआरपी बढ़ गई, नहीं, ये इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि इन लोग की कब से लड़ाई चल रही थी एल्विश यादव के साथ, एल्विश यादव के दोस्तों के साथ। इस वजह से अदनान को अंदर भेजा गया और बिग बॉस वालों को पता था ये दोनों जब आमने सामने होंगे तो इन लोगों की आपस में लड़ाई होगी, ठीक है। इन लोग की मुंह मारी हुई आपस में थोड़ी बहुत, पर इतनी लड़ाई नहीं हुई जितना उन लोगों ने सोचा था। तो ठीक है, बिग बॉस वालों को टीआरपी मिल गई जितनी टीआरपी उन लोगों को चाहिए थी। जब बिग बॉस वालों का मकसद खत्म हो गया, बिग बॉस वालों को ये पता लग गया कि इन लोग की आपस में अब लड़ाई नहीं हो रही, तो उन लोगों ने कुछ सोचा होगा अदनान को बाहर निकालने का, क्योंकि अदनान को वाइल्ड कार्ड अदनान गया था तो उसको तो जितवा सकते नहीं थे, ठीक है। इन लोगों ने फिर गेम के थ्रू अदनान को बाहर निकाल दिया। वैसे अदनान के फैंस की वजह से अदनान कभी बाहर नहीं निकलता वोट की वजह से, तो इस वजह से इन लोगों ने गेम के थ्रू अदनान को बाहर निकाल दिया। और अभी एल्विश यादव और फैसू अभी बिग बॉस हाउस के अंदर रहते हैं, इन लोग के आपस में जो बातचीत हुई है अभी हम लोग वो वॉच करते हैं। और आपको ओपिनियन चाहिए अदनान को सिर्फ इन लोगों ने टीआरपी के लिए भेजा था या नहीं, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। तो अभी तो सबसे पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, और रात के 4 बजे हैं, तो रात के 4 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो सबसे पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मैं आप लोग से मिलता हूँ। ओके, और मेरे को पता है मेरी बेड बहुत ज़्यादा आ चुकी है और आज जाके मैं उसको बनवा लूँगा, तो मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ, मैं बहुत बिजी लड़का हूँ। वैसे नहीं, ये काम भी है मेरा, मेरा और भी काम बहुत। तो वीडियो स्टार्ट करते हो, या लेट्स गो। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा है सर, क्योंकि एक बारी में इंसान तो सर एक बारी में मान लेता है बात। एल्विश, यस सर जी, जोक एक बार फनी होता है, बार बार नहीं। वीडियो स्टार्ट होते हैं एल्विश। तो आपको क्या लगता है कि बिग बॉस ने उन्हें ये मेडिकल प्रोसीजर फॉलो किए बिना उसे अंदर डाला है, क्या लगता है? सर करा ही होगा फॉलो। हाँ जी सर, करा होगा फॉलो। तो फिर मैं जनरली आपको सवाल पूछ रहा हूँ, तो आप क्यों घड़ी घड़ी वही जोक मार रहे हैं? लवकेश के बारे में क्या कहना? लवकेश बहुत स्वीट बंदा है सर, मेरे दिल में सर लवकेश को लेकर शुरू में ऐसा लगा कि यार ये तो एल्विश जैसा है, मगर फिर उसके बाद में मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ सर कि हाँ भाई बंदा स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं शुरू में ऐसा लगता था कि हाँ भाई इसकी दोस्ती में वो बात नहीं है, वो फैक्टर नहीं है, बट अब वो दिखा रहा है। ऑनेस्ट है सर हम दोनों। हम दोनों हम दोनों अपने दम पर आया। हाँ सर अपने दम पे आया सर। इसमें मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ क्या कहना चाहेंगे आप? लवकेश आया है एल्विश के दम पे, और अदनान ने जो बोला है कि तू कैमरामैन है तू मैनेजर है, वो कई हद तक लोग भी रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमने आपको देखा है, हमने आपको देखा है और आपके साथ ही साथ उसको देखा है, तो हमने कभी उसकी पर्सनल इंडिविजुअलिटी या उसकी पर्सनल पर्सनैलिटी को बाहर कभी देखा ही नहीं है सर। आज तक वोट नहीं गया था, बट सर आपने करवा दिया, करवा दिया। नो कॉमेंट सर, नो कॉमेंट। कैसा लग रहा है आपको? गटगला अलग है सर, मैं नॉस्टैल्जिया हिट कर गया। हाँ ये जाते रहते हैं बहुत। पर आपको अपने दोस्त को डिफेंड करना है, ठीक है सर। आर यू रेडी? यस सर। तो पहले हम लोग एल्विश से चालू करते हैं, क्योंकि इनको आदत है गटगले में खड़े रहने। असल में कहना गोलू, इन्होंने ना कभी बाहर ना अकेले लड़ाई लड़ी नहीं है। 15-15, 20-20 लड़के होते हैं, किसी पे हाथ छोड़ दिया तो एक दूसरे ने मार दिया, कभी अकेले किसी को जाके मारा ही नहीं है। कमजोरों पे ताकत आजमा, कुछ दिल होते हैं वो मेरे हिसाब से वो लोग। मतलब सबसे घटियापन लगता है जब तुम 20 लोग पहुंचते हो किसी के वहाँ और एक अकेले को पकड़ के थप्पड़ मारते हो। अभी एक हुआ था ना एक सीन ऐसा इनका, देखा देखा मैं, वो कैसा लड़का था, बच्चा सा है अभी, उतने ही जन अगर आए, कितने लोग थे? 20-15 जन थे। अगर अपने साथ भी अपने तरह 3-4 लोग भी रहे तो फिर खतरनाक, उन लोग भी उल्टे पैर भागे हुए। असल में क्या होता है ना अदनान, मुझे क्या लगता है कि मारने से पहले ना पिटने की हिम्मत होनी चाहिए। भाई मुझे बैठ के कॉम्प्रोमाइज करवाया किसी ने बीच में। अच्छा वो तो पता है, वो भी है अंदर। क्या क्या करते तुम बाहर लड़ाई बिड़ाई के अलावा? बहुत कुछ करते हैं, जैसे कि वक्त आने पे बताएंगे क्या करते हैं जाने। वक्त साला कब आएगा? अभी तो आ गया ना, अभी अभी आ जाएगा ना वक्त। वक्त आ गया ना, अभी आ जाएगा। कौवे की तरह काय काय मत कर, थोड़ा मर्द लोग की तरह बात कर। नर्स चलो हमसे पहचान आ जाएगा। पीछे हट के बात कर, तू पीछे। हां तो
तू भी पीछे हट, तू भी पीछे हट, कम दे पीछे हट के बात कर, तू पीछे हट, क्या है क्या है पीछे हट, पीछे हाथ लगा पहले नांग पे, अरे किसने लगाया पहले बताइयो, हाथ किसने लगाया पहले बताइए, पहले बोला था मैंने तो भाई प्रपोज मंडली बोल रहा है क्या बोल रहा है, जंगल में रहना है तो शेर से गाड़ी करके रह सकते हैं ये तो है, एक गिलास में तीन कलर का पेशाब करेगा वो लाल पीला हरा, वो होते ना भौंकने वाले कुत्ते जैसे रुक के अपन देखते तो छुप जाते, वो वाला शॉट एडिटिंग बड़ी खतरनाक हुई है, तुम मेरे को पसंद करना सिखा रहे ना, किस चीज की मेरे को बता रहे खिदमत करा कर किस चीज है ना, मैं बोला काम किया एक दो बार हाथ लगा दिए व्हील चेयर पे तो तुमको समझ में आ रहा है, मन में बहुत अदब से हूं तुम्हारे से क्या, क्या 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 कर रहे और नहीं छोड़ो रहने तो, मैं क्या बोल रहा हूँ ये खड़ा गरम मसाले में तो और क्या है अपने पास, मैं 15 दिन में उनसे ज्यादा मेरे को मालूम है किचन का, मेरे को आज मैं खड़ा हूँ तुम मेरे से पूछो ना, ठीक है तुम बताओ अभी और क्या है अपने पास, मुझे सच में पता है मालूम नहीं है खड़ा मैं और कुछ भी नहीं, बस यही है ना यार, वो इसलिए पूछ रहा हूँ कुकिंग करती हूँ ना इसलिए पूछ रहा हूँ, उनको नहीं मेरे को पता ना, दो हफ्ते से मैं कुकिंग में हूँ भाई और मैंने ही बना के खिलाया बटन वटन सब, तो कुछ नहीं है कर दी भाई ने मुझसे पूछ के, इस घर में अदरक है ना उतना इन्वॉल्वमेंट हमारे नेजी भाई का है जीरो ये मैंने रोस्ट वीडियो में भी कही थी, पर कोई ना भाई दिल का बहुत अच्छा है ऐसा मैं कहना चाहता हूँ पर कह नहीं पा रहा, नेजी भाई को खाने का बहुत शौक है, नेजी भाई तुम्हें खाना क्यों पसंद है, जैसे तुमको मजाक करने का खोटे मजाक करने का बहुत शौक है वैसे मैं देख चिड़गा देख चिड़गा, खाना खाया भाई खाना खाया भाई चाय लोगे, अपने दूध में से दूध अपने दूध में से चाय बना के दे रही हूँ, है क्या बोल रही है, क्या ले बोला था मैंने तो भाई प्रपोज मंडली बोल रहा है क्या बोल रहा है, जंगल में रहना है तो शेर से गाड़ी करके रह सकते हैं ये तो है, एक गिलास में तीन कलर का पेशाब करेगा वो लाल पीला हरा, वो होते हैं ना भौंकने वाले कुत्ते जैसे रुक के अपन देखते तो छुप जाते, वो वाला शॉट है चंद्रिका है घर में नहीं। तो उनके रील के बारे में बात करने से क्या अचीव किया, गलती हो गई सर, मैं उसके लिए सॉरी भी बोला, और मुझे नहीं पता था कि वर्ल्ड कप जीता, कि इंडिया जो है वर्ल्ड कप जीता, मुझे नहीं पता था, इतनी बड़ी बात थोड़ी है, सॉरी सर, फालतू यू नो एक शो का फॉर्मेट होता है, यू नो कुछ रूल्स होते हैं, विशाल ये बाहर की बात नहीं है, मैच जीता है सर, है ना जी जी, तो किसको बचाना था जब मैं पूछ रहा था आपको, नहीं सर मैंने एडवाइस के लिए मना किया था, मैंने ये बोला था कि अपडेट जरूर दिया है, एडवाइस नहीं दिया है बट अपडेट, हाँ अपडेट जरूर दिया हुआ है, तो आपने क्या कहा जब इन्होंने अपडेट दिया, तो आपने कुछ कहा उनको रोकने की कोशिश की, आपने मना किया उनको कि ये रूल्स में अलाउड नहीं है, सर मैं अगर सच बोलूं ना तो जो भी ऑफकोर्स जो आपने बात बोली सही है कि घर वाले भी इनसे पूछे, जैसे वर्ल्ड कप मूवी इनसे पूछा गया, लेकिन जब इनको बिग बॉस ने टोका उसके बाद एक्चुअली हम लोग बहुत कॉशियस हो गए थे, हम लोग इनको टोकते थे कि ये बात मत कर, अदनान जो है वाइल्ड कार्ड के तौर पर आए ये हमारी गलती है, एक्चुअली मुझे आप सबको बताना चाहिए था, आप सबका सबसे बड़ा फैन मैं अंदर भेज रहा हूं, मुझे आप लोगों को बताना चाहिए था, तो फिर मैं ये कहूंगा कि इसलिए बोल ले आप घर वालों का डिसीशन है कि ऐसे फैन को जो मिनट में आपको बड़ा भी कर दे और अगले सेकंड आपको गिरा भी दे उसको कितना सीरियसली लेना चाहिए, क्या प्रायोरिटी से मुझे बताओ, एट प्रेजेंट मेरा नेजी है फर्स्ट प्रायोरिटी, मेरे बाद अपने आपके बाद नेजी है, नेजी है प्रायोरिटी, आर यू श्योर, यस सर, आर यू श्योर, यस सर, कितने लोगों को लगता है कि अदनान की प्रायोरिटी नेजी है, कितने लोगों को लगता है, लगता है क्या अभी तक तो नेजी है सर, अभी तक नेजी नेजी शुरू से बोलता है, अरमान भाई आपको सच बताऊं, मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊं, जब आपने बुलाया ना कल रात को यार ये तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद मैं जानबूझ के मना किया, क्यों क्यों वजह,
मेरे को लेजीनेस लग रहा था थोड़ा, तो मेरी गलती है, मैं मानता हूँ मेरी गलती, लेकिन मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा ये भी बोल रहा हूँ आपको। एक्सेप्ट किया, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बहुत। रात में मेरे को बैग के लिए जाना चाहिए था भाई, निजी नजरों में आ जाएगा, जब जो वाली मदद नहीं करेगा ना सबकी नजरों में आ जाएगा। देखो देंगे एक एक दो घुट ले ले, गिलास ले लेना। नहीं इसमें ले, तू समझा? नहीं तू समझा नहीं, क्यों नहीं नींबू पानी पिएगी? बना रहा हूँ नींबू पानी, पी लिए? मकबूल तू तुम्हें भी हो गए? हाँ एक दो तीन चार पाँच। भाई एक बात बताओ, तुम खाने पीने में आगे रहते हो, छोटा मोटा काम कोई बोल भी देता है तो तुम्हें नींद आ जाती है, ऐसा क्यों भाई? ऐसा तो मैं चाहता नहीं हूँ ऐसा करना भाई। फिर क्या हो गया था कल? पता नहीं, मेरे को लगा शायद आप लोग इनफ रहेंगे, आप थे ना वहाँ पर। मैंने तो बोल के तुम मेरे को खिदमत करना सिखा रहे ना, किस चीज की? तुम मेरे को बता रहे खिदमत करा कर, किस चीज है ना? मैं बोला काम किया, एक दो बार हाथ लगा दिए व्हील चेयर पे, तुमको समझ में आ रहा है? मन में बहुत अदब से हूँ तुम्हारे से ना। चल तू निकल, नकली बचकाने, नकली एक टक्कर में सीधा उधर आएगा, चल पीछे आ जा बेटा, कभी भी आ जा, बोल कैमरे में बोल, कभी भी आ जा, कभी भी बेटा, तेरे चार भी आएंगे ना, हाँ चार, तो भी कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। ऋषि भाई क्या कहना चाहेंगे आप? इसको डिस कर दो। आपके कितने हैं? मेरे सर 16.2 हैं सर। ये जो कितने मिलियन फॉलोअर्स हैं आपके? 32.5 मिलियन इंस्टाग्राम पे। ओके यहीं तक थी ये वीडियो। तो आपको अभी तक क्या लगता है कि बिग बॉस हाउस के अंदर कौन जीतेगा, किसके ऊपर ये लोग गेम लेके जाना चाह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे अभी जहां तक मेरे को लग रहा है कि ये कटारिया को ऊपर लेके जा रहे हैं, कटारिया को ये लोग जितवाना चाह रहे हैं। बाकी अभी टाइम के साथ पता लग जाएगा किसको जितवाना चाह रहे हैं किसको नहीं। तो अदनान को दिन लोगों ने बाहर निकाल लिया ब्रो, जो इनको टीआरपी चाहिए थी वो इनको मिल गई, और फिर इन लोगों ने अदनान को बाहर निकाल दिया। और अदनान को रखने का कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा था वो, इसलिए क्योंकि अदनान लड़ नहीं रहा था, क्योंकि इनको लड़ाई चाहिए थी जिस वजह से इनकी टीआरपी बढ़े, तो वो हो नहीं रहा था, ठीक है। क्योंकि कटारिया अदनान के साथ बिल्कुल सही था उस टाइम पर, कि अदनान ने शुरू से यही बोलता हुआ गया, बाहर से बोलता हुआ गया अदनान बिग बॉस हाउस के अंदर, कि कटारिया अगर मेरे से उलझेगा तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं, और अगर वो इज्जत से रहेगा तो मैं भी इज्जत से रहूंगा। तो वही हुआ ब्रो, कटारिया इतना लड़ा नहीं उससे ना, उससे इतनी मुंह मारी की, तो इस वजह से अदनान कुछ बोलता नहीं था। बाकी जो बिग बॉस वालों को चाहिए था मिशन, जो उनका मिशन था बिग बॉस वालों को, वो फेल हो गया, क्योंकि कटारिया लड़ता नहीं, तो अदनान 07 जो है वो भी नहीं लड़ता था। तो इस वजह से अदनान को बाहर निकाल दिया, ठीक है। और मिस्टर फेसू और एल्विश यादव अभी गए थे अपने अपने दोस्तों को सपोर्ट करने के लिए, तो इतने प्यार मोहब्बत से ब्रो फेसू ने लिया एल्विश यादव की। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता। और अगर आप लोग एल्विश के फैन हो तो मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने ध्रुव राठी की वीडियो देख ली है नहीं? तो सबसे पहले जाके उसका पार्ट टू देखो, फिर आगे कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं, और हाँ आप लोग बोल रहे शिवानी 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 के ऊपर रोस्ट वीडियो बनाओ, मेरे पर तकरीबन 5 कमेंट आ चुके हैं शिवानी के ऊपर रोस्ट वीडियो बनाओ, शिवानी के ऊपर बनाओ। तो देखता हूँ मैं बनाता हूँ या नहीं बनाता, और अगर मैंने उसके अंदर कुछ ऐसा वैसा वर्ड बोल दिया या ऐसा वैसा कुछ गलत बोल दिया, तो फिर ब्रो ये बात उठेगी कि गाँव की लड़की है उसको ये बोल दिया, उसको वो बोल दिया, वोमेन कार्ड, आप लोग को तो पता ही है सब, फिर सब खेलते हैं सोशल मीडिया पर। तो देखता हूँ बनाता हूँ या नहीं बनाता, और अगर बनाऊँगा तो फिर ब्रो सही से मैनेज करूँगा क्या बोलना क्या नहीं बोलना, प्रॉपर स्टोरी लाइन लिख के फिर वीडियो बनाऊँगा। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट मार के मेरे को ज़रूर बताना। और 4:30 हो गए और गर्मी लग रही है मेरे को, क्योंकि मेरा एसी का रिमोट मेरे को अभी मिल नहीं रहा,
तो मैं मिलता हूँ लोग से नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए खुदा हाफिज़। नहीं नहीं अब फ्री हो गया, फ्री हूँ।